चलिए दोस्तों एक बार फिर से जान लेते हैं उत्तर प्रदेश की आज सुबह से लेकर रात तक के सभी मुख्य समाचार, ताजा और बड़ी खबरों को। पर उससे पहले दोस्तों आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बैंकिंग जगत के दिग्गजों से मिले सीएम योगी, बोले आइए साथ मिलकर बनाएं नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, बताने की देश की सबसे बड़ी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में सहयात्री बनने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के बैंकिंग और वित्तीय जगत का आह्वान किया है। बता दें कि नए भारत के ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के बड़े लक्ष्य के साथ दो दिवसीय दौरे पर मुंबई पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ आज बैंकिंग जगत के दिग्गजों की बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें संबोधित किया और कहा कि मुझे पता है कि आप सभी न केवल अपने बैंक पर नजर रखते हैं बल्कि हमारे उत्तर प्रदेश पर भी आपकी नजर है। ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई हो रही, परिसर में नियमित दर्शन पूजन की मांग। जी हां दोस्तों, बताने की ज्ञानवापी प्रकरण से जुड़े 7 मामलों की सुनवाई आज हो रही है। बता दें दोस्तों कि सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में भगवान आदि विश्वेश्वर की ओर से विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह ने अर्जी दाखिल कर ज्ञानवापी परिसर भगवान आदि विश्वेश्वर को सौंपने की मांग की है। अब दोस्तों आगे देखना है कि हाईकोर्ट का क्या फैसला आता है। 5 करोड़ रुपए की चरस के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार, नेपाल से दिल्ली लेकर जा रही थी बड़ी खेप। जी हां दोस्तों, बताने कि उत्तर प्रदेश में नेपाल से चरस की खेप लेकर दिल्ली जा रही महिला तस्कर को एसएसबी व पुलिस की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। बता दे दोस्तों की चरस की अंतर्राष्ट्रीय कीमत 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। वही रूपडीहा चेक पोस्ट पर नेपाल से आ रही महिला को रोककर तलाशी ली गई। उसने कमर से 2 चरस की थैली बांध रखी हुई थी। उत्तर प्रदेश के शामली के ऊंचा गांव पहुंचे यात्रा, वीआईपी कैंपस में विश्राम के लिए रुके राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, बताने की उत्तर प्रदेश में तीसरे दिन आज भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत शामली जिले के एलाम गांव से हुई। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के मद्देनजर आज पानीपत खटीमा हाईवे और कांधला कैराना मार्ग बंद है। बता दे दोस्तों की धारा 144 लागू है। वही भारत जोड़ो यात्रा पानीपत जिले में प्रवेश करने के बाद हाईवे को खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश में हाजी याकूब की दिल्ली में मिली लोकेशन, तलाश में जुटी 4 टीमें, परिचितों पर भी पुलिस की पैनी नजर। जी हां बता दें कि मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी और उनके बेटे इमरान पर अब 25,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए का इनाम कर दिया गया है। वहीं मेरठ एसटीएफ दोनों की गिरफ्तारी के लिए ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। एसपी सिटी द्वारा गैंगस्टर के तहत याकूब की 26 जगह पर 85 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करने की तैयारी कर ली गई है। दावा किया गया है कि लिखा पढ़ी हो चुकी है, 6-7 दिन में कार्यवाही कर दी जाएगी। मायावती ने बसपा में किया भारी फेरबदल, दूसरी बार जिला अध्यक्ष बने मुकेश चंद्रा। जी हां बता दें कि नगर निकाय चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो ने अलीगढ़ में संगठनात्मक बड़ा फेरबदल किया है। अलीगढ़ मंडल के प्रभारी और जिला अध्यक्ष को बदल दिया गया है। सूरज सिंह को मंडल की और मुकेश चंद्रा को जिले की कमान सौंपी है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने अलीगढ़ मंडल के पदाधिकारियों को अचानक लखनऊ तलब किया, जिसमें मंडल व जिला स्तर पर बड़े फेरबदल की आशंका पहले से ही थी। अब बरेली मंडल के मुख्य सेक्टर प्रभारी सूरज सिंह को अलीगढ़ मंडल का भी प्रभार दे दिया गया है। कोटे से मिला चावल बेच रहे लाभार्थी, गेहूं की कीमतें यहां छू रही हैं आसमान। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। दरअसल सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर गेहूं के बजाय चावल के वितरण का साइड इफेक्ट मार्केट में दिख रहा है। बताया जा रहा है कि लोग कोटे की दुकान पर फ्री में मिलने वाले चावल को बेचकर आटा खरीद रहे हैं। गेहूं की पर्याप्त आवक नहीं होने से इसकी कीमतें प्रति किलोग्राम 30 रुपए के पार पहुंच गई है। बताने की 10 दिन पहले तक चक्की पर 36 रुपए प्रति किलो बिकने वाला आटा आज 40 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। पौष पूर्णिमा का स्नान, 6 जनवरी को बनाए गए 14 स्नान घाट सर्वार्थ सिद्धि योग में लगेगी डुबकी। यह बताने की मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने आज मेला क्षेत्र की तैयारियों का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस दौरान बताया गया है कि माघ मेला क्षेत्र में 14 स्नान घाट बनाए गए हैं ताकि कल्पवासियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की अव्यवस्था का सामना न करना पड़े। वहीं मंडलायुक्त ने सभी घाटों पर अनिवार्य रूप से बैरिकेडिंग कराकर सर्कुलेटिंग एरिया की पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। बताने की ये सभी व्यवस्थाएं माघ मेले के प्रथम स्नान पर्व पौष पूर्णिमा से पहले पूरी करने के लिए कहा गया है।
कांग्रेस नेता के विवादित बोल कहा थोड़े मॉडर्न बने योगी आदित्यनाथ भगवा छोड़े। जी हाँ, बता दें कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कपड़ों पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को भगवा छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने की सलाह दी है। फिलहाल यूपी सीएम दो दिवसीय दौरे पर आज मुंबई पहुंचे हुए हैं, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। वहीं दोस्तों, नोएडा में फिल्म सिटी को लेकर फिल्म जगत की हस्तियों से भी वह मुलाकात करेंगे। इस बीच दोस्तों, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने आज कहा है कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां से कारोबार लेकर जाने के बजाय यूपी में विकसित करने चाहिए। उन्हें भगवा कपड़े छोड़कर आधुनिक कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री आधुनिकता का प्रतीक है। खास बात है कि यूपी में भाजपा सरकार फिल्म सिटी विकसित करने की तैयारी कर रही है। तलाकशुदा मुस्लिम महिला को पूर्व शौहर से ताउम्र गुजारा भत्ता पाने का हक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला। जी हाँ, बताने की तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के गुजारा भत्ता पर एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि ऐसी महिला पूर्व शौहर से इद्दत तक ही नहीं बल्कि जीवन भर गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। वही कोर्ट ने कहा है कि गुजारा भत्ता इस तरह का हो कि वह तलाक से पहले जैसा जीवन बिता रही थी उसी तरह जी सके। प्रयागराज के हॉलैंड हॉल हॉस्टल पर बिजली बिल का 10 करोड़ का बकाया प्रशासन ने जारी की 10 करोड़ की आरसी। जी हाँ, बताने की प्रयागराज के हॉलैंड हॉल हॉस्टल पर 10.57 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है। प्रशासन ने हॉस्टल के खिलाफ आरसी जारी कर दी है। उधर इस हॉस्टल में प्रवेश के लिए आज से आवेदन शुरू हो गया है। बताने की स्नातक बीए बीएससी बीकॉम प्रथम वर्ष के छात्र 18 जनवरी तक फॉर्म भरकर जमा कर सकते हैं। हॉस्टल के अधीक्षक रंजीत सिंह की ओर से जारी सूचना के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में स्नातक छात्र आज से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। राहुल गांधी की टी शर्ट पर बोले डिप्टी ब्रजेश पाठक, कहा प्रतिरोध क्षमता कहां से मिली, इस पर रिसर्च होगी। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान आज सुर्खियों में है। उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि यह पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। राहुल गांधी के इन दिनों यूपी में भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, ऐसे में उनके टी शर्ट पहनकर यात्रा करने की तस्वीर सोशल मीडिया पर छाई हुई है। कई लोग राहुल गांधी से यह सवाल करने में जुटे हैं कि आखिर इतनी ठंड होने के बावजूद वे स्वेटर क्यों नहीं पहन रहे हैं। ऐसे में आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का एक बयान वायरल हो रहा है। उप मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को लेकर कहा है कि यह पता लगाने के लिए अध्ययन किया जा रहा है कि आखिर राहुल गांधी को ठंड क्यों नहीं लग रही है। 13 से 17 जनवरी तक इस रूट पर चलेगी खिचड़ी मेला स्पेशल ट्रेन, जाने टाइमिंग। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को लेकर रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए विशेष अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने जा रही है। यह ट्रेन 13 से 17 जनवरी के बीच संचालित होगी। ये जानकारी CPRO पंकज कुमार सिंह ने दी है। मृत गोवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटा, वीडियो वायरल होने के बाद SDM ने लिया एक्शन। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मृत गोवंशों को ट्रैक्टर से बांधकर घसीटने का मामला सामने आ रहा है। वीडियो वायरल होने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। इस मामले में SDM खालिद अंजुम ने संज्ञान लिया। इसके बाद ग्राम प्रधान समेत 4 लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम सहित कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि यूपी खबर जानकारी नहीं करता। उत्तर प्रदेश के बांदा में कंझावला जैसा भयानक हादसा, ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को 3 किलोमीटर घसीटा। जी हां दोस्तों, बताने की उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में दिल्ली के कंझावला जैसा भयानक हादसा सामने आ रहा है। बताने की कबरई से गिट्टी लादकर जा रहे ट्रक ने बांदा कृषि वीवी गेट के सामने स्कूटी सवार महिला क्लर्क को टक्कर मार दी। बताने की क्लर्क ट्रक के अगले हिस्से में स्कूटी के साथ फंस गई। ट्रक उसे स्कूटी समेत 3.5 किलोमीटर तक घसीटते ले गया। बताने की घर्षण से निकली चिंगारी से ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और खलासी ट्रक पेट्रोल पंप के पास खड़ा कर भाग निकले। इधर ट्रक में फंसी स्कूटी सवार महिला क्लर्क जिंदा चल गई। बताने की बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में लखनऊ के गोमती नगर की पुष्पा सिंह उम्र 32 वर्षीय कनिष्ठ क्लर्क थी। वह लखनऊ के डॉन बॉस्को स्कूल में शिक्षिका रह चुकी हैं।
उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में 20 फरवरी तक धारा 144 लागू। जी हाँ दोस्तों, बताने कि डीएम ने जिले में आयोजित होने वाली परीक्षाओं और पर्व के मद्देनजर 20 फरवरी तक धारा 144 लागू कर दी है। बताने कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में इस आदेश पर उल्लंघन करने पर जिले के प्रशासनिक अधिकारी संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करेंगे। वही डीएम कार्यालय के अनुसार जिले के विभिन्न केंद्रों पर परीक्षाएं आयोजित होने वाली है। इस बीच जनवरी में मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस आयोजित है। इसके साथ ही हजरत अली का जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, कोविड-19 के संदर्भ में जारी शासनादेश का अनुपालन जिला प्रशासन को कराना है। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। खबर को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के निशान को जरूर दबा लें।